टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना अंतर्गत बमौरी और दिगौड़ा के बीच में नाला टूट जाने से टीकमगढ़ झांसी मार्ग बंद हो गया। दिगौड़ा से बमौरी तक का रोड 6 माह पहले डाला गया था और पहली बारिश ने टीकमगढ़ जिले के प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी। लगातार बारिश से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त है, पुल का एक हिस्सा टूटने से सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहीं। टीकमगढ़ झांसी मार्ग बमौरी के पास लगातार 5 घंटे बारिश हुई। झांसी मार्ग पर बमौरी के पास पुनौन से निकलने वाली नदी के दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा। हाईवे रोड प्रभावित हुआ, जिससे आने जाने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हाईवे और नेशनल हाईवे रोड डबलाई जाती है, वहां पर अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो आगे आने वाले समय में गरीब जनता का कौन जवाबदार होगा? आपका नाम? सुरेंद्र सिंह यादव, सरपंच प्रतिनिधि लतरंगा। ये जो पानी गिरा, ये कब से गिर रहा है? पानी सुबह 6 बजे से 6:30 से चालू हुआ था, इसमें 8 बजे आवागमन बंद हो गया था। 8 बजे से अभी तक कोई आवागमन नहीं, पुलिया भी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। तो यहाँ पुलिस नहीं आई क्या? हाँ, पुलिस तो आई है ना, उस साइड से इस साइड निकल ही नहीं पाई पुलिस, नहीं खड़ी रही। तो पुल टूट गया क्या? हाँ, पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा फट गया है। कितने घंटे से बंद है आवागमन? आवागमन वही 8 बजे से अभी तक बंद ही पड़ा है, अभी भी नहीं निकल पा रहा है आदमी। तो इसमें पेड़ वेड़ भी टूटे हैं क्या? हाँ, पेड़ों को, फसल को भी नुकसान हुआ है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।